जहां चारों ओर ठगी के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा ही मामला अमरावती शहर में भी दिखाई दिया। ई प्राइम सेल, इस ठगी करने वाली कंपनी पर कार्रवाई की जाए और गरीबों के पैसे वापस लौटाए जाए, इस मांग को लेकर आज ई प्राइम सेल से धोखा खाने वाले कुछ युवकों ने पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में इन युवकों ने आरोप लगाया है कि प्राइम सेल कंपनी द्वारा उन्हें बताया गया था कि इस कंपनी में पैसा लगाने के बाद उन्हें होने वाले मुनाफे में व्यापार का 10% हिस्सा दिया जाएगा, लेकिन फरवरी में ही ये कंपनी संचालक फरार हो गए। उन्होंने अपने नागपुर और अमरावती के सभी सेंटरों को बंद कर दिया है। इन युवकों ने पुलिस आयुक्त से गुहार लगाई कि गरीब बेरोजगारों और मध्यम वर्ग के लोगों को ठगी करने वाले इस ग्रुप का पर्दाफाश किया जाए और इन्हें सलाखों के पीछे डाला जाए, साथ ही कंपनी में अपना पैसा लगाने वालों को उनका पैसा भी वापस दिलाया जाए। इस मौके पर मोहम्मद इरफान, मोहम्मद साबिर, इमरान खान, परवेज खान, मोहम्मद मुस्तकीम, मोइनुद्दीन तारिक, जुनेद अहमद, फजलुर रहमान, शहबाज कुरैशी, वकार अहमद, शेख मोहम्मद शोहेब अहमद खान, वकार अहमद मौजूद थे। मेरा नाम इमरान खान है और मेरा कंपनी का व्यापार है और यहाँ से 7 से 8 महीने पहले कंपनी आई थी मेरे पास ई प्राइम सेल करके, जिसमें मैं ज्वाइन हुआ और उसका फंडा ऐसा था कि मिनिमम 5,000 लगाना है और मैक्सिमम कितने भी लगा सकते हैं उससे ज्वाइन करना है, और जो अपन माल लेते हैं 5,000, 20,000, 10,000, 15,000 या 1,00,000 का जितना करते हैं, तो वो कंपनी महीने में एक बार दो बार ऐसा करके वो सेल करती थी। माल वही था जो रिटेल मार्केट में जो मिलता है, मतलब डेली यूज़ के ऐसा करके, और अपने घर में जो भी ग्रॉसरी कपड़ा वगैरह सब जो भी था वो था। उसने क्या करे, कंपनी का जो MD है मनोज कमलाकर कापसे, वो और उसके दो पार्टनर पुष्पक पटेल और उत्तम पटेल, और उनके साथ ही मैडम रोशनी मेश्राम, इन चारों ने ये प्लान को लाया हम तक और ये अमरावती में आया है, और आने के बाद ये फरवरी से इन्होंने इनका डब्बा गोल करके गायब हो गया, जिसमें उनका मार्ट था, मार्ट भी बंद कर दिए। अमरावती में भी साई नगर में मार्ट था, नागपुर में शांति नगर में मार्ट था, और इनका ऑफिस था सदोदया कॉम्प्लेक्स के पास माया हॉस्पिटल के अपोजिट में नागपुर में, वो भी उन्होंने बंद करके निकल गए, और अभी तक उनका कोई पता नहीं है, उनके घर पे लॉक लगा हुआ। तो हमें इसमें सब तबके के लोग हैं, जिसमें टीचर, डॉक्टर, मजदूर और रोज़ मजदूरी करने वाले, इन सब ने पाई पाई जोड़ के जो उनका पैसा था, किसी से उधार लेके किसी ने लगाया, किसी ने खुद के पास जमा जो पैसे थे वो लगाया, किसी के शादी का पैसा था, किसी की बहन की शादी का पैसा, किसी के घर में घर बनाने का पैसा था, वो सब इन्होंने पैसा लगाए। तो हमारी मांग यही है कि उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ताकि वो आगे ये काम ना कर सके। इसके अलावा हम लोगों ने जो जितना पैसा लगाया, जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया और हमसे पैसा लूट के लेके चले गए, तो हमको हमारा पैसा जल्द से जल्द मिल जाए, ये हमारी मांग को लेके हम सिटी ऑफिस पहुँचे हैं, और हमारे साथ और भी लोग हैं जिन लोगों ने पैसा डाले थे। हमारी रिक्वेस्ट है सिटी मैडम से कि इन लोगों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे डाले, ताकि और किसी लोगों के साथ ऐसा काम ना कर सके, और उसके अलावा हम लोगों का जितना भी पैसा है वो जल्द से जल्द हमें मिल जाए, इसकी भी हम उम्मीद करते हैं। और मैं भी इसकी प्राइम से जुड़ा था, इसे मुझे अपने अपलाइन वालों ने ज्वाइन किया था, तो मैं भी बिजनेस के लिए जुड़ा था। इसमें इन्होंने बताया था कि हमें 6% 15 दिन में 6% उस पर बेनिफिट मिलेगा, यानी मंथली हमको 12% बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये कुछ 2 महीने चला और उसके बाद में कंपनी भाग गई। और उन्होंने ये भी बताया था कि मार्च में 3 महीने, जैसे ही आपके 3 महीने कम्प्लीट होते आपके पैसे आपको रिटर्न मिल जाएंगे, और जो डेली नीड्स के आइटम थे वो भी उन्होंने बीच में इसको बंद करके ख़रीदने के लिए कहा था, और वैसा हमने किया, लेकिन ये वक्त से पहले जैसे ही मार्च आया फेब में, इसे इन्होंने अपना डिब्बा लिपटा और भाग गया। जैसे हमारे बहुत सारे साथी थे, बहुत सारे दोस्त थे जिन्होंने अपने
घर के पैसे, किसने कुछ शादियों ने शादियों के अपनी बहन की शादियों के पैसे रखे हुए थे वो लगाए थे। और हम सब भी मेहनत मजदूरी करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं और इसी तरह से बहुत सारे हमारे दोस्त हैं। क्या मांगे आपकी? हमारे यही मांग है सीपी मैडम से कि जल्द से जल्द इन पर कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द इन्हें पकड़ा जाए और हमारा पैसा हमें जल्द से जल्द वापस मिल जाए। बस मेरा नाम मोहम्मद साजिर है। कुछ रोज पहले एक कंपनी आई थी अमरावती में जिसका नाम था ई प्राइम सेल। इस कंपनी में हम ज्वाइन हुए। ज्वाइन होने के बाद थोड़ा सा काम किए। ई प्राइम सेल का ये फंडा था कि आप अगर कुछ नहीं भी करते हो तो वो आपका सामान लेते थे और ऑनलाइन बेच कर आपको दे देते। उन्होंने कहा था तकरीबन 5-7% आपको हर महीने मिलेगा। पर पिछले फरवरी में वो लोग फरार हो गए। हम उनके घर भी गए, ऑफिस में भी गए और मार्ग भी जो उनके दो मार्ग थे, नागपुर में था एक, साईनगर अमरावती में था, वो दोनों मार्ग बंद करे और उनके फ़ोन भी बंद। अमरावती की गरीब जनता का बहुत पैसा गया है और अमरावती नहीं और भी बाहर के स्टेट से भी बहुत पैसा गया है। तो आज हम सीपीओ ऑफिस आए थे कंप्लेंट देने के लिए और हमारे साथ सभी लोग हैं जिनके पैसे गए। हमारी सीपी मैडम से गुजारिश है कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए क्योंकि इस प्रकरण को 4 महीने हो चुके और अभी तक इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई और हम आगे तक जाएंगे क्योंकि जिन लोगों ने हमारे साथ काम ज्वाइन हुए थे, सभी लोग दूसरे से घर से ज्वाइन हुए थे, सब ने अपने अपने पैसा डाला। इसमें गरीब लोग भी है, मध्यम वर्ग के लोग ज़्यादा है, जिसमें मैं खुद को इसका शिकार हूँ। हमने इससे पहले भी कंप्लेंट की थी और आज भी हम टीवी के माध्यम से आपके सामने आए। तो गुजारिश है कि इसकी कार्रवाई की जाए और ज़रूरत पड़ी तो हम इस मैटर को आगे से आगे लेके जाएंगे, लेकिन हमारे लोगों का जितना पैसा गया है उसको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे।